हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुखसाना एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो जल्दी जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्या लगा हुआ है, मेरी लिपस्टिक। सो या वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग वीडियो। तो आज का व्लॉग होने जा रहा है बहुत ज़्यादा स्पेशल। क्यों, मैं आप लोगों को बताती हूँ। आज है मंडे और आज हम जा रहे हैं हरिद्वार। जी हाँ, जैसे कि आशीष हर साल हरिद्वार जाता है तो इस साल का वो दिन आ चुका है जब हम जाएंगे हरिद्वार बाय बाइक। हमारी धन्नो हमारी बाइक पहली बार हरिद्वार जाएगी। जी हाँ, तो आज सुबह से बस मैं वही पैकिंग वगैरह में लगी हुई थी बट मंगी। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट होता है मेरे नाइट से। अभी बिल्कुल रात हो चुकी है, ये देखिए बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि वहाँ पे अभी मैं पैकिंग करने जा रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बातें कर ली जाए, स्टार्ट करेंगे। तो आशीष अभी गया नहाने के लिए, वो फ्रेश हो रहा है। मैं फ्रेश वगैरह हो चुकी हूँ, बस किचन में काम करते करते इतना पसीना आ गया। सो या चलिए आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो हमारी पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये नहीं, ये तो गलत चीज़ है, इसको इधर रखते हैं। अभी ये सामान है ले जाने वाला और यहाँ रुकू ने सब्जी रेडी कर रखी है जो कि हम रास्ते में खाएंगे। खाना रात में जा रहे हैं इसलिए अभी आपको दिखाता हूँ रुकू को क्या कर रही है। ओ माय गॉड, रुकू मेकिंग सम पूरीस। ओहो, पूरी पूरी भी क्या बात है। चलो पूरी तभी दिखा दो। काम करके बैठी हुई हूँ तो चल रहे हैं बस। बहुत ज़्यादा बेचारी के पसीना है। ओहो, स्माइल तो दे दो। हाँ भाई मैडम, चले फिर। Yes, we are ready. Helmet. We are ready to go out. जैसे कि मैं आपको बोला था हम जा रहे हैं हरिद्वार, तो finally अब हम निकल रहे हैं। हमारा बस ये छोटू सा बैग रेडी हुआ है और yes, we are ready. Bye. तो चलो चलते हैं। अभी हम आए हैं आशीष की बाइक में पेट्रोल फिल कराने के लिए। चला गया। चलो उधर का मस्त था लेकिन यार। आशू
किलोमीटर कवर कर लिया तेज की 140 किलोमीटर विदाउट एनी स्टॉप हमारी धनो हमको लेके आ गई। इसके बाद ओनली 80 किलोमीटर लेफ्ट है हरिद्वार में। हमने थोड़ा बाइक को रेस्ट करने के लिए अभी हमने थोड़ा हम अभी थोड़ा सा स्टॉप लिए ताकि बाइक थोड़ी ठंडी हो जाए, उसके बाद हम वापस से राइड स्टार्ट करेंगे। सो फाइनली बज रहे हैं सुबह के 6 और आप भीड़ देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है, आइडिया लगा लो इतनी ज़्यादा भीड़ है। और फाइनली सनराइज हो चुका है, मैं इसी का वेट कर रही थी कि कब सनराइज होगा, तो सनराइज हो गया और अब धूप बहुत तेज होने वाली है, तो चलिए लेट्स गो। जल्दी लास्ट टाइम जब हम आए थे बहुत लेट आए थे, मतलब बहुत ज़्यादा, इस बार तो जनाब ने 5 घंटे में पहुंचा दिया। सो नाउ अब हम जा रहे हैं रूम देखने के लिए, उसके बाद फिर मैं बाकी ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और मैं कुछ बोल नहीं सकती चिल्ला चिल्ला कर। बाकी सब राहुल के पास होगा, राहुल के नीलकंठ के। सो अभी जनाब कर रहे हैं लंच ब्रेकफास्ट विद गर्मा गर्म चाय और घर का बना हुआ खाना। टेस्ट कैसा है? सही है ना? तो भगानी है गाड़ी, बस भगा के फटाफट हरिद्वार पहुंचना है। सो फाइनली वी रीच्ड गंगा जी हरिद्वार। और ये रहे जनाब, हैप्पी। सो अभी हम पुल क्रॉस करके जा रहे हैं यहाँ पर, अभी हम नीचे जाएंगे होटल्स देखने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी सी हमें कम भीड़ लग रही है, तो होप सो हमें होटल्स मिल जाए, होप सो। तो चलो फटाफट, ज़्यादा ब्लॉग लंबा नहीं करना चाहती, तो रूम क्या हो रहा है, मिल रहा है कोई रूम? जब भी यहाँ पे आओ यही दिक्कत होती है। चलो बाप रे, गरम क्यों हो रखा है इतना? तो ये वॉशरूम है, अच्छा बालकनी नहीं है इसमें। सो फाइनली हमने रूम फाइनल कर लिया है, यही वाला। अब आशो रिलैक्स कर लो, फाइनली हमारा रूम हुआ फाइनल। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, पसीने से हालत ख़राब हो चुके, इतने रूम ढूंढ लिए बट कुछ भी नहीं मिला, तो फाइनली अब सो जाओ। आशीष को सबसे ज़्यादा नींद की ज़रूरत है, पूरी बाइक पूरा रात भर इसने अपना ऑफिस किया, उसके बाद एसी ऑन कर दिया, उसके बाद फिर डायरेक्ट ड्राइव करके आया है। 6 घंटे में पहुँचा दिया दिल्ली में, 6 नहीं 5 घंटे में। चल अब सो जाओ, हो गया फाइनल और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं भाई साहब, मेरी कमर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। सो अब हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे और उसके बाद बाहर जाएंगे। पूरा 1 घंटा आशीष,
है, पूरा एक घंटा ढूंढने में लगाया ना रूम हमने। ये फाइनली रूम हो चुका है, अब हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे, उसके बाद बाहर जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे। अभी हम मिलते हैं। जरा ठंडी ठंडी पानी की बोतल। कहीं घूमने आओ ना तो रिलैक्स इम्पोर्टेंट है, मतलब आराम से रिलैक्स होना चाहिए बॉडी, है ना, चिलमिल चिलमिल में। अभी अभी हमने एक 1500 का भी रूम देखा था भाई साहब, 1500 रुपीज का चार्ज था। और क्या था आज, खटिया है चौकी, लकड़ी की जो चौकी होती है ना, वो चौकी और उसके ऊपर एक गद्दे बिछा रखे थे, इतने गंदे चद्दर, मतलब मैं वीडियो नहीं शूट करते क्योंकि उस वक्त इतनी गर्मी लग रही थी और बस हम रूम ढूंढने में लगे थे, इतना गंदा स्मेल आ रहा था। अगर पैसे को देखिए तो भाई हम जा सकते थे, बट सीरियसली उधर ना नींद आती ना चैन आता, इसलिए फिर हमने फाइनली सोचा और एक्सप्लोर करते हैं। फिर थोड़ा हम और गंगा घाट के पास आए तो हमें ये रूम मिल गया और हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो के अब यहाँ पे सोएंगे, राइट। फाइनली हम रिलैक्स करके उठ चुके थे, आशीष अभी बाहर गए किसी काम से और मैं यहाँ पे रूम में सिर्फ अकेले हूँ, कोई भी नहीं है। आशीष बाहर गया है फॉर सम रीज़न, कुछ काम से ही वो बाहर गया है। उसके बाद अब तक मैंने सोचा जब तक वो जा रहा है तब तक मैं अपनी चाय बना के पी लेती हूँ। वैसे मुझे ऐसे मशीन वाली चाय कम ही पसंद है, बट या मैंने सोचा ट्राई करती हूँ और ठीक ठाक है, इतनी बुरी नहीं है। और मैं यहाँ पर देख रही थी कार्टून, टाइम पास कर रही थी और कुछ नहीं। बहुत गंदी नींद आ रही थी, आँखों में ऐसी जलन मच रही थी ना कि हम बहुत ज़्यादा ही सो लिए और आशीष को कुछ एक्स्ट्रा काम आ गया जिसकी वजह से हम बाहर नहीं जा सकते, हमें यहाँ पे होटल में ही रुकना पड़ेगा, बिकॉज अगर बाहर चले गए तो आशीष का वो काम नहीं होगा। सो या ये था मेरा छोटा सा अपडेट, अगर मैं बाहर गई शाम को तो मैं आप लोगों को ज़रूर एक्सप्लोर करवाऊँगी।